देखिए, हेलो ओके बेटा, नाउ यू म्यूट युअर वॉइसेस. जर आवाज नहीं आले तर तिकडून मला सांगायचंय फक्त. लेट्स सी. हमने देखा था कि देर वॉज अ फाइट बिटवीन रणजी एंड दैट अदर बॉय. द फाइट वॉज वेरी वायलेंट. वायलेंट में बड़ी तगड़ी फाइट हुई दोनों के बीच में. एंड देन व्हाट काइंड ऑफ फाइट इट वॉज. बिकॉज ऑफ दैट फाइट रणजी हैड मेनी ब्रूजेस एंड कट्स ऑन हिज बॉडी. देन रणजी ऑल्सो गेव हिम अ नाइस पुश. ही ऑल्सो वॉज दो ही वॉज वेरी शॉर्ट बट ही वॉज वेरी स्ट्रांग. छोटा था दो ही वॉज वेरी नॉट हेल्दी इवन देन ही वॉज वेरी स्ट्रांग. एंड उसके कारण फाइट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड नो बडी वॉज विनर. नो बडी वोन द मैच वोन दैट फाइट. एंड वो जो था नेक्स्ट दैट इज स्ट्रॉन्गर बॉय हुज नेम वॉज सूरज एक्चुअली. ही अगेन सेड दैट वी विल कंटिन्यू द फाइट नेक्स्ट डे. सो नेक्स्ट डे व्हाट हैपन्ड व्हेन ही वेंट दैट डे रणजी डिड नॉट वॉन्ट टू गो देयर. रणजी की इच्छा नहीं थी फाइट करने की. बट इवन दे ही वेंट देयर. क्यों वेंट व्हाई डिड ही गो देयर. बिकॉज ही थॉट दैट इफ आई डू नॉट गो देयर देन व्हाट विल हैपन. आई विल नॉट हैव द राइट. मेरा अधिकार नहीं रहेगा फॉर ऑन ऑन व्हाट ऑन द पुल. पुल के ऊपर. इट मीन्स दैट ही इज एक्सेप्टिंग द एक्सेप्टिंग हिज डिफीट. इसका अर्थ ये हो जाए कि उसने अपनी हार मान ली है. और ही न्यू दैट. उसको वो जानता था इफ यू गो देयर ही विल अगेन बी बिटन बाय द बॉय. मैं जाने के बाद मुझे और मार पड़ेगी. ही वॉज श्योर. उसको यकीन था बिकॉज दैट बॉय वॉज वेरी स्ट्रांग. बट देन ही थॉट दैट इफ आई गो देयर एंड इवन इफ आई गेट बिटर मेरी मुझे मार भी पड़ेगी तो भी व्हाट विल आई से. आई विल से दैट आई हैव नॉट. He thought that he will not accept his defeat. Accept his defeat मैं अपनी defeat मानने नहीं करूंगा. और if I surrender now, I would be beaten for all the time. और एक बार अगर उसने surrender कर दिया, समर्पण कर दिया, it means that he will be beaten for all the time. हमेशा के लिए उसके हार हो जाएगी. और जब तक वो अपनी हार नहीं मानेगा, even though he get punished, even though he get beaten, उसको मार पड़ने के बाद भी जब तक वो नहीं बोलेगा कि मैं हार चुका हूं, तब तक he has a right on the pool. उसका अधिकार बना रहेगा कहां पर? पुल पर. सो दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू गो एंड फाइट विथ बॉय. वी हैड एक्चुअली डिस्कस दिस क्वेश्चन. एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे. और नाउ लेट्स सी उसके बाद क्या हुआ. नेक्स्ट डे व्हेन ही वेंट टू द पुल. पुल पे जाने बाद व्हाट हैपेंड. देखिए, ही वॉज हाफ होपिंग दैट हिज अपोनेंट वुड नॉट टर्न अप. टर्न अप मीन्स केम अप. केम देयर. केम आया होगा कहां पर. हाफ ऐसा सोच रहा था कि ही इज अपोनेंट. अपोनेंट मीन्स उसका जो एनिमी था. ही वुड नॉट हैव कम टू द पूल. वो ऐसा सोच रहा कि अच्छा होगा कि वो नहीं आया होगा वहां पर. कौन सोच रहा था? रणजी. बट हिज होप्स वेयर डैश्ड. हिज होप्स डिसअपियर्ड. कब उसकी होप खत्म हो गई. वैनिश्ड हो गई. आशा कब वैनिश हो गई. व्हेन ही सॉ हिज अपोनेंट. जब उसने देखा हिज अपोनेंट वॉज सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल. ही फाउंड दैट हिज अपोनेंट हिज एनिमी he was already present there. वो present था वहां पर, आ चुका था. and he was present. what was he doing there? actually he was rubbing the oil on his body. rubbing the oil. oil मतलब तेल लगा रहा था body को. he was putting oil on his body. so he was already ready to fight with Ranji के लिए. fight करने के लिए ready था already. then उसके बाद क्या होता. They threw challenges and counter challenges at each other. Challenges means उन्होंने आह्वान किया एक दूसरे को. इसने कहा कि तुम कौन सा चैलेंज दिया. इसने कम ओवर दिस साइड एंड फाइट. कम ओवर दिस साइड एंड फाइट. देखिए, ही स्टैंडिंग हियर एंड ही सिटिंग हियर एंड बिटवीन देम व्हाट इज देयर. देयर इज अ पुल. पुल है, पानी है बीच के अंदर. ये साइड ये खड़ा है. दिस साइड रंज इज सिटिंग. सो व्हाट चैलेंज ही गेव. ही गेव द चैलेंज दैट कम टू दिस साइड. इस साइड आ जाओ. और ये क्या कहता है. यू कम दिस साइड एंड फाइट. यू आई विल नॉट कम देयर. ही सेड रंजी सेड यू कम दिस साइड. तुम इधर आओ एंड फाइट विथ मी. ये अगेन ही गेव द सेम चैलेंज. व्हाट वॉज द अदर नेक्स्ट चैलेंज. स्विम अक्रॉस. स्विम अक्रॉस. अक्रॉस मतलब फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. दिस साइड टू उसको बोलते हैं इस बाजू से उस बाजू. स्विम अक्रॉस
एंड फाइट मी हियर, यहाँ पे आकर मेरे साथ फाइट करो, और या तो फिर यू परहैप्स यू कैनॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल, यू कैनॉट, क्या कहा था ये लड़का, यू वाई आर यू नॉट कमिंग दिस साइड, यू डू नॉट नो हाउ टू स्विम, यू कैनॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल, लेंथ मीन्स ये जो साइज है पानी की, यहां से यहां तक, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, इतना जो अंतर है, यू लेंथ मीन्स अंतर, यू कैनॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल, कैन यू, क्या तैर सकते हो, दैट बॉय आस्क्ड. नाउ दिस वॉज वेरी इंसल्टिंग फॉर रंजी, रंजी के लिए वाला इंसल्ट, वाई इट वॉज इंसल्टिंग, रंजी कुड हैव स्वम द लेंथ ऑफ अ पूल अ डजन टाइम्स without tiring, tiring means without getting tired, thakke bagair, Ranji could have swum the length of a pool dozen times, wo kehta hai ki itna jo pool ka length tha wo kitne baar wo tair sakta hai, not only once, he can swim that length of the pool for a dozen times, dozen means 12 baar jaake aa sakta hai, itna he was so expert in swimming, that's why he says and without tiring, bina thake. And here he would show his opponent his superiority. Superiority means uski shreshthata. Shreshthata dikhane ka. This was a good chance for him to show his enemy that he was superior than him in swimming. Ki main tumse bhale hi taakat mein kam hoon, lekin I am superior in swimming. This was a good chance for him to show this to his opponent, अपने opponent को दिखाने का बड़ा अच्छा मौका था. Understood? समझ में आ रहा है? हाँ सर. सभी को? Yes, sir. Okay. Yes, okay. Yes, next देखिए. हाँ. आगे देखिए. Slipping out of his vest. Okay. Slipping out of his vest. Slipping means removing, removing, काटने of his vest, out of his vest. W-E-S-T. Vest मतलब बनियान. He took out his banyan. उसने बनियान निकाली, किसने, रंजी ने, एंड देन ही डाइव्ड स्ट्रेट इन टू द वॉटर, ही डाइव्ड इन टू द वॉटर, कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ, नाइफ मतलब चाकू, चाकू की तरफ पानी को काटता हुआ, ही डाइव्ड इन टू द वॉटर, रंजी, देन द वॉरियर, द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन, द वॉरियर्स माउथ hung open, hung open means mouth hung open का अर्थ होता है, he was very surprised, he opened his mouth, जैसा कि हम सरप्राइज होने के बाद एकदम मुंह खुला कर देते हैं, the warrior's mouth hung open in amazement, amazement का अर्थ होता है surprise, the warrior was very surprised because he can't swim like him, because he was swimming very nicely under the water, so इसने पूछा, इसने डाइव लगाने के बाद, बिकॉज ये सरप्राइज क्यों हुआ, ही हैड डाइव्ड वेरी नाइसली इनटू द वाटर, सो ही वाज वेरी सरप्राइज, सो ही आस्क्ड, कैन यू डाइव, तुम डाइव कर सकते हो, देखो क्या पूछता है, यस इट इज वेरी इजी, कांट यू डाइव, तुम भी डाइव कर सकते हैं, ही सेज नो आई जंप स्ट्रेट इन, आई कैन जंप स्ट्रेट इन द वाटर, मैं सीधा जंप लगा सकता हूँ, बट इफ यू टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव, he says no I can't dive like you, awaaz kiski aa rahi hai, who is student, ha ha student kon gaye ho, apna speaker mute rakho beta, ha dekhiye you can dive, dekhiye ye lesson humko finish karna hai kyunki ye lesson bhi tumhare exam mein hai jo ek exam next month hone wali hai, to ye lesson achhi tarah se aapko yaad karna bhi hai, okay. So why this boy was surprised, because he had dived very nicely and he said can you dive, yes, he said yes, and then he asked can't you dive, tum nahi kar sakte, he said no I jump straight in, but if you tell me, if you teach me how to dive then I can, he said mujhe sikhaoge to main zarur sikhunga, then ye dekhiye yahan par kya karta hai, then he is telling him, now this is the boy enemy. And now Ranji is speaking with him. Ranji is teaching him how to dive. He said, "Stand on the rock." Actually, ये Ranji है. ये Ranji नहीं. ये Ranji को बत. ये Ranji इधर उसको instructs दे रहा है इस लड़के को. हाँ सूरज को. क्या कहता है? Stand on the rock. Rock पे खड़े हो जाओ. And then he is standing on the rock. See, he stood on the rock. Then stretch your arms out. Stretch your arms. Stretch means हाथ ऊपर करो. फैलाओ. Spread your arms.
आर्म्स में से जो हाथ है तुम्हारे, स्प्रेड इट, स्ट्रेच करो, एंड नाउ अलाउ यूर हेड टू डिस्प्लेस यूर फीट, अलाउ यूर हेड, हेड को नीचे डालो एंड डिस्प्लेस यूर फीट, डिस्प्लेस अपने पैर को वहां से निकालो, है ना, छलांग लगाओ सिर के बल, नाउ अलाउ यूर हेड टू डिस्प्लेस यूर फीट, एंड देन ही डिड द सेम थिंग, इसने यही किया, क्या किया उसने, ही स्टूड ऑन द रॉक, स्ट्रेच हिज आर्म एंड ही अलाउड हिज हेड टू डिस्प्लेस यूर फीट, डिस्प्ले मतलब पैर को उसने वहां से ऊपर उठाया, एंड देन ही डाइव्ड, देन हाउ डिड ही डाइव, कैसा डाइव हुआ उसका, ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली, बी डबल एल वाई, बेली मीन्स स्टमक, ही लैंडेड, लैंडेड मीन्स फेल, गिर गया वहां पर, कैसा गिरा, फ्लैट, एक्चुअली उसका सिर अंदर जाना चाहिए था पानी के अंदर, लेकिन क्या हुआ, पूरा आड़ा गिर गया, तिरछा गिर गया वो काय में, पानी में, सो ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली, ऑन हिज स्टमक विथ अ क्रैश, क्रैश मीन इट मेड अ लाउड साउंड ऑफ क्रैश, बहुत जोर का पानी का आवाज आया, क्रैश दैट सेंड द बर्ड स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, सो व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट नॉइज, द नॉइज व्हिच दैट बॉय मेड बिकॉज ऑफ हिज डाइव, इट फ्राइटन्ड द बर्ड्स, द बर्ड्स वेर सिटिंग ऑन द ट्रीज एंड दे फ्लू अवे बिकॉज दे वेर frightened and they screamed, screamed, they shouted, the bird shouted and they flew away from the trees because the his diode made a loud voice, loud sound, crash ka awaaz aaya, Ranji dissolved into laughter, the Ranji dissolved me, he started laughing because why he started laughing, it was not a good diode, wo diode acha nahi tha, to kya kehta hai, are you trying to empty the pool, Are you trying to empty? Trying means प्रयास कर रहे हो क्या? Empty the pool. Empty means खाली करने का. Pool खाली करोगी क्या? कैसा खाली किया होगा उसने? Because the water, when he dived in the water, what happened? Splashed. उड़ गया पानी है ना? ऐसा पानी में गिरने के बाद it is splashed, and that's why he asked him, Are you going trying to empty the pool? Then his reaction. The warrior was spouting water. Spouting means throwing water, like a small well. Well देखा होगा आपने, वो पानी जैसा उसको फेंकता है. So similarly, this warrior was spouting water like a small well. Well is a small famous fish. Fish की तरह पानी फेंक रहा था. Okay, then he asked, wasn't it good? Was my dive not a good? मेरा dive अच्छा नहीं था क्या? He said, not very good. इतना अच्छा भी नहीं था. You need more practice. You need more practice. If you do more practice, you will learn. Watch me do it again. I will do it again. And watch me how I do. मैं कैसा करता हूँ? You just watch me. And pulling himself up on a rock, Ranji executed another perfect dive. Again he, then what happened? Ranji stood on the rock and then he stretched his arm and he took a very nice dive into the water. Executed means he showed him, he took a nice dive again, perfect dive. Okay, वो क्या कहता है? After watching this, वो लड़का कहता है, the other boy waited for him to come up. अब उसने dive लिया, dive लेने के बाद he went inside the water, पानी के अंदर चला गया, and what was this boy was doing? He was waiting him to come up. Actually, he was swimming under the water. He was swimming under the water and Ranji circled him. Circled means यहाँ से था वो, देखिए आगे था. Then he went from behind and this boy did not know where he had gone. Yeah, he circled ऐसा पीछे से आके पीछे से निकला under the water. But swimming under water, Ranji circled him. Then and he came upon him from behind. He came upon him from behind. पीछे से आया. Then The warrior boy was astonished. This boy was astonished. He was very astonished, means very surprised. What? How did you do that? इसने पूछा. This boy is asking, how did you do that? ऐसा कैसे किया तुमने? हाँ, can't you swim under the water? Then Ranji is asking, can't you swim under the water like me? मेरे जैसा तुम पानी के अंदर भी तैर सकते हो क्या? He said, no. See. How he is superior in swimming? He can dive. Ranji can dive. He can swim under the water. This warrior, he can't dive. He can't circle. He can't swim under the water. So that's why he asked, "How did you do that? How did you swam under the water?" And he asked, "Can't you swim under the water?" And then he said, "He is making tremendous effort to plunge to the bottom of the
pool. Though he's bottom of the pool, though his bottom like a ducks remain above the surface, however, I will not discourage him. उसके बाद क्या होता है? ये देखिए, वो कहता है, okay, I will try to swim under the water. ये लड़का कहता है, and you can see here, this is the boy, that strong boy. He is trying to swim under the water. और जब जो try करता है under the water swim करने का, he is thinking. रंजी क्या सोच रहा है? रंजी is thinking, wet. He is making tremendous means very big, very great efforts. Lot of effort. Efforts means prayas kar raha hai. For what? To plunge to the bottom. To go to the bottom of the pool. Bottom matlab pani ke andar jana. Of the pool. Lekin though his bottom means uska jo sharir hai. Like a duck ki tarah upar hi reh raha hai pani ke upar. Aur wo kya soch raha hai? He is swimming under the water. Usko aisa lag raha hai ki I am swimming under the water. But his back, uski jo peeth hai, it is on the surface of the water. Sir, pani ke upar hi hai. To wo kya soch raha hai? And it was looking like a duck. Duck pakshi dekha honga aapne. Jab tairta hai duck. वो उसके आधी बॉडी पानी के अंदर रहती है, पानी के ऊपर आधी बॉडी रहती है. The similar thing happened with that boy also. He was thinking that he was swimming under the water, but his half body, particularly his back, उसकी जो पीठ थी, it was above the surface of the water. Above the surface. देखिए, however, लेकिन भी ये क्या सोच रहा है? I will not discourage him. Discourage करना, encourage करना. What is encourage करना? Encourage मतलब प्रोत्साहन देना. Discourage करना मतलब उसको कहना कि नहीं, you can't swim properly, तुम्हें तैरना नहीं आता, ऐसा कह के उसको discourage करते हैं हम. तो he decided not to discourage him. Okay, then ये क्या कहता है? अब देख देखो कैसा बात कर रहा है. What he is telling? It was not bad, but you need a lot of practice. He was saying you were trying to, you swam very nicely under the water. He said, but it was not a bad effort. गलत प्रयास नहीं था. But you need a lot of practice. तुम्हें practice की बहुत जरूरी है. और इसने पूछा, you must teach me. Then you must teach me because you are perfect in swimming. You know how to swim under the water. You know how to dive perfectly. So you must teach me. Must मतलब तुम्हें मुझे सिखाना ही पड़ेगा. If you do not teach me, I will beat you. अगर नहीं सिखाया बेटा तो मैं तुम्हें मारूंगा. देखिए हंसी में कह रहा है. तो ये इसको जो बोलते हैं, इफ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू, ये दिस इज कॉल्ड कंडीशनल क्लॉज. हमने सेवंथ क्लास में पढ़ा होगा, या इफ यू वॉक फास्ट यू विल विन द मैच, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल विन द मैच, है ना, इफ यू गो टू द डॉक्टर यू विल बी क्योर्ड. तो देखिए यहाँ पर इफ यू डू नॉट इफ यू टीच मी, अगर तुमने मुझे पढ़ा, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना, इफ लगा के, इफ यू टीच मी I will learn, है ना, I will learn, हम कर सकते हैं, मैं सीखूंगा. तो अगर नहीं तुमने सिखाया तो तुम्हें मैं मारूंगा, ये सिंपल फ्यूचर टेंस यूज किया. इफ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू. एक आता एग्जाम्पल, तू चांगला जर अभ्यास केला तर पास होशील. इफ यू स्टडी वेल यू विल पास, है ना, जर तू मला बोलावलं तर मी तुझ्याकडे नक्की येईल. कसं म्हणाल? इफ यू इन्व्हाइट मी आय विल कम टू यू. जर तू मला नाही बोलावलं तर मी तुलाकडे येणार नाही. इफ यू डू नॉट इन्व्हाइट मी आय विल नॉट कम टू यू. उसी तरह का ये कंडिशनल क्लॉज, इफ क्लॉज ज्याला म्हणतो आपण. तुम्हाला आठवते का सेवन्थ क्लास मध्ये आपण शिकलो होतो? है ना, हो सर. हाँ, सर. ओके, नेक्स्ट, विल यू कम हियर एवरी डे एंड टीच मी. विल यू कम हियर, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इफ यू विल यू कम हियर एवरी डे एंड टीच मी, आके मुझे सिखाओगे क्या? यस, ही सेज, इफ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद है, I will teach you. Simple future. I will teach you. No problem. Then, my name is Suraj. Then he is telling him, what is my name? My name is Suraj. And what is your name? He says, I am Ranji. Okay. He says, I am strong. I am strong. देखिए, I am strong. Am I not? देखिए, ये मैं strong हूँ. क्या नहीं हूँ? तो ये जो am I not वाला जो sentence है, इसको कहते हैं tag question. Tag question क्या होता है? ये यहाँ positive. एक मिनट, टैग क्वेश्चन क्या है? ये पहला पार्ट अगर पॉजिटिव है, जैसे आई एम स्ट्रॉन्ग, ये वो है पॉजिटिव. इसका नेगेटिव कैसा? आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग, ये नेगेटिव हो गया. अगर ये पॉजिटिव है तो उसका टैग क्वेश्चन क्या बनता है? नेगेटिव बनता है. और लास्ट में क्वेश्चन आता है. अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्ट्रॉन्ग, तो आई एम स्ट्रॉन्ग ये पॉजिटिव, एम लेना यहां पर.
और बाद में एम आई नॉट, क्या नहीं हूं? अगर यहां पर ये नॉट वाला रहता आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग, तो यहां पे क्या होता था? एम आई क्वेश्चन मार्क. बगा ही इज डॉक्टर, ही इज डॉक्टर, इसका टैग क्वेश्चन कैसा होगा? इजंट ही, इज ही नॉट, इजंट ही, और क्वेश्चन मार्क आएगा, है ना. यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग कैसा होगा फिर? आर यू, है ना, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग का आर यू, ये इसका उल्टा करने का कभी भी. और जो यहां पर वर्ब लिया है, जैसे एम है तो एम करना, इज है तो इज करना, इज रहता इजंट आए, इजंट ही, यहां पर अगर आर होता आरंट दे, आर दे, इस तरह से. ओके, ये क्या कहता है? यू आर स्ट्रॉन्ग, रंजीत सिंह, यस यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर अ रियल पहलवान, यू आर अ रियल, देखिए उसकी बॉडी देखिए, ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय. ओके, सूरज स्पोक बेंडिंग हिज आर्म, सूरज वाज बेंडिंग, बेंडिंग मतलब उसको ऐसा दिखा रहा था, मसल दिखा रहा था, ही वाज बेंडिंग, बेंड करना मतलब ऐसा मोड़ना, बेंडिंग हिज आर्म्स सो दैट अ बॉल मसल, व्हाट आर द बॉल मसल, ये बॉल मसल जो होती है, द बॉल ऑफ मसल्स स्टूड अप, स्टूड अप, स्ट्रेचिंग द व्हाइट ऑफ हिज फ्लेश, फ्लेश के बाहर निकल रही थी द बॉल मसल, एंड ही बेंट हिज आर्म एंड ही सेड आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड ही सेड यस यू आर रियली वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर अ पहलवान. ओके, उसके बाद वो क्या कहता है? वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैंपियन रेसलर, वर्ल्ड चैंपियन रेसलर, रेसलर मुझे पहलवान बनूंगा, कौन सा? दुनिया का सबसे महान चैंपियन पहलवान. यू आर स्ट्रॉन्ग टू, यू आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, ही सेइंग, बट यू आर टू बोनी, बोनी बोनी में बड़ा हड़कुड़ा है यार तू, है बहुत हड्डियां बहुत है तुम्हें, मांस नहीं है, और ये लेकिन स्ट्रॉन्ग कैसे, कैसे पता चला? उसने उसके मुंह पे लगाया था मुक्का, तब पता चला कि ही इज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. यू आर वेरी बोनी, आई नो यू पीपल डोंट ईट इनफ, और व्हाई आर यू बोनी, बोनी क्यों हो? बिकॉज यू डोंट ईट इनफ, तुम अच्छा खाते नहीं हो, ज्यादा खाते नहीं हो मेरे जैसा. ओके, आई नो यू पीपल डोंट ईट इनफ, यू मस्ट हैव यूर फूड विथ मी एवरी डे, यू मस्ट हैव, तुम्हें होना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, यूर फूड खाना मेरे साथ, विथ मी एवरी डे हमेशा, रोज मेरे साथ खाना खाया करो, आई विल मेक यू पहलवान. If you teach me how to dive and swim under the water, I will make you a pahalwan. Now, what is the deal? Deal hoti hai dono ke mein. Sauda kya hota hai? He says, if you teach me, agar tumne ek conditional clause aaya, fir se if clause. If you teach me how to dive and swim under the water, dekhiye simple present tense. If you teach me how to dive and swim under the, then what will I do? I will make you a pahalwan. Main tumhe pahalwan banaunga. That is fair. Ye hamari deal hogi, isn't it? He says, yes, that's fair. Okay, done. ठीक है, I will make you, I will teach you how to dive in the water and how to swim under the water, and then you make me a real pahalwan. You make me pahalwan. You make me strong. That's fair. Okay, Ranji doubted if he was getting the better of the exchange. Ranji doubted. Ranji को doubt आ रहा था कि जो deal हो रही दोनों की सौदेबाजी और उसमें उसको वो सही तो कर रहा ना, उसको अपना हिस्सा मिल रहा क्या नहीं? Okay. Now that boy is saying, we are friends now. Abhi, we are not enemy. We are friends. Yes, we are friends. And in this way, they both became friends. Ab dono friends ho gaye. They look at each other with honest. Ek minute. They look at each other with honest, unflinching eyes. Ek dusre ki taraf dekhe dono ne, ek dusre ki taraf. And honest eyes. Imandari ke saath dekha. बिना कपट के, बिना शत्रुता के. एंड इन दैट मोमेंट उस क्षण, एट दैट टाइम, लव एंड अंडरस्टैंडिंग वेयर बॉर्न. व्हाट वाज बॉर्न? लव, लव बिटवीन देम एंड अंडरस्टैंडिंग, समझदारी दोनों के बीच में वाज वेयर बॉर्न. बॉर्न मतलब पैदा हो गए. नाउ देर वॉज नो एनमिटी बिटवीन देम, दोनों में शत्रुता नहीं. देर वॉज नो जेलसी बिटवीन देम. एंड नाउ दे हैड बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र बन गए. And why they had become a friend? Because they made the deal. What deal they made? कौन सा सौदा किया था? That Ranji would teach him to swim under the water and dive, and that boy will make him strong like him. He will make him a pahalwan. This was the deal between them. And in this way, वो कहता है. Now that boy says, it is our pool. ये pool हमारा है. Nobody else can come here without our permission. Who would dare? किसकी हिम्मत होगी? Now this pool belongs to us. Nobody has the courage to come to this pool without our
permission. Nobody can come and swim in this water without our permission. ये भी कहता है, yes, who'll dare? किसकी हिम्मत है अभी? And Ranjit smiled with the knowledge that he had won the day. Now he was smiling. He was happy. Why he was happy? Because he was thinking that he had won the day. He had won the day. मतलब उस दिन उसकी विजय हुई थी. The best solution. सबसे अच्छा solution निकला था. निर्णय हुआ था. And they realized. समझ में आया? Lie and what is the best solution? Moral क्या है? That the solution lies not in fighting each other. एक दूसरे के झगड़ा करने से कोई समाधान नहीं है. कोई भी समस्या का सोल्यूशन नहीं है, बट इन फाइटिंग टूगेदर फॉर समथिंग. वॉट इज द बेस्ट सोल्यूशन? टू फाइट टूगेदर, मिलके फाइट करना. किसके साथ? फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए. अर्लियर दे वर फाइटिंग फॉर द पुल, बट दैट वॉज नॉट द सोल्यूशन. नाउ दे वर फाइटिंग टूगेदर, दोनों फाइट कर रहे थे दोनों. किस चीज के लिए? कि अपनी जो कमजोरी है उस पर विजय पाने के लिए. इसकी कमजोरी क्या थी? He wanted to become a पहलवान. And what was his कमजोरी? His कमजोरी was, his weakness was, he did not know how to swim under the water and how to dive. And उसके लिए झगड़ना, उसका उसके ऊपर दोनों मिलके मात करना, that was the real solution. Okay, understood? Yes, sir. 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 स्टोरी yes, स्टोरी पसंद आई सबको? यस सर. ओके, तो देखिए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्या 10 मिनट? ओके, जिसको आंसर आता है रेज हैंड करना, कोई प्रॉब्लम नहीं. बात जिनको आंसर नहीं आता उन्हें सुनना है. हु वाज द बेटर स्विमर? सर रंजी. रंजी. हाउ डू यू नो इट? तुम्हें कैसा पता चला? हाउ डू यू नो इट? ही वॉज अ बेटर स्विमर. हाउ डू यू नो दैट ही वॉज अ बेटर स्विमर? बिकॉज व्हेन बिकॉज ही डाइव इन द वॉटर इजीली. बिकॉज ही डाइव इन द वॉटर वेरी परफेक्टली. वेरी गुड. और And he can swim under the water. And he dived under the water and he circled him and came from behind. है ना? He circled him and came from behind. And he also could dive perfectly. This show that he was a better swimmer. और वो रंजी ने जो जो लड़का था उस सूरज, when he tried, he fell flat on the stomach, belly. Okay, next. What surprises the warrior? Warrior को किस चीज का surprise हुआ? Yes, Rutuja? When Ranjit dived perfectly in the water. ओके okay, वो और दूसरा सबसे ज्यादा सरप्राइज कब हुआ था? व्हेन ही स्वैम अंडर द वाटर एंड सर्कल्ड हिम एंड केम फ्रॉम बिहाइंड. है ना? दैट टाइम द वॉरियर जो था ही वाज सरप्राइज्ड. राइट, वेरी गुड. नाउ दे आर एट द पुल. व्हाई डोंट दे कंटिन्यू द फाइट? व्हाई डोंट दे कंटिन्यू द फाइट नाउ? यस, बिकॉज दे बिकेम वन ऑफ द फ्रेंड. बिकॉज दे बिकेम द फ्रेंड. They had become friend. Friend of each other. Yes, they had become friend. Why they had become friend of each other? Why had they become friends? Because they had. बताइए. शुभम मनस्कर बोलो बेटा. शुभम. What made them friends? Friends क्यों बने थे? The strength of everybody. They made deal in themselves that Ranji would teach him to dive and swim under water, and Suraj will teach him to become a fighter. Suraj will make him a fighter. Suraj will make him pahalwan. And that was the deal between them, understanding between them. That's why they had become friends. And that's why they did not fight. Very good. Nice one. Then, ye chhod do. नेक्स्ट वाला लास्ट वाला क्वेश्चन है. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मेक्स द टू एडवर्सरीज, एडवर्सरी में एनिमी टर्न इनटू गुड फ्रेंड्स इन अ मैटर ऑफ मिनट, थोड़े मिनटों में दोनों फ्रेंड्स क्यों दुश्मन से मित्र बन गए? फास्ट बताइए एनीवन. व्हाई हैड दे बिकम गुड फ्रेंड्स? अभी हमने डिस्कस किया था इन अ मैटर ऑफ मिनट्स. यस, एनीवन रेज द हैंड. Why had the adversaries, means those enemies, had become a good friends in a matter of minutes? Explain fast. Yes, anyone?
अरे अब रंजी नीडेड हेल्प ऑफ दैट बॉय टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड दैट सूरज नीडेड हिज हेल्प टू लर्न फॉर डाइविंग for learning the diving learning diving and swimming under the water swimming. Okay, that is why they had become a good friends. Very good. ye kya hai? Thank you. Nahi abhi ek do teen question baki hai na, wo discuss kar lenge ek minute us din reh gaye the, and then our lesson is over and our we will start next lesson, next poem on Monday, because tomorrow we don't have period. So, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे उस दिन, आ गया ये वाला। देखिए देखिए रंजीत सीज एडवर्सरी इन द व्हाट डज ही विश टू डू व्हेन ही सॉ रंजीत सॉ हिज एडवर्सरी इन द बाजार व्हाट डज ही विश टू डू क्या करने की सोच रहा था दो इच्छाएं हुई थी उसकी यस व्हाट वाज द फर्स्ट डिजायर गोइंग द लेमनेड बॉटल टू हिज एनिमी Yes, that was the second one. First one was to look somewhere else. Not to look at him. First wish was not to look at him, and second was to throw lemonade bottle at him. What does he actually do? He do nothing. He does nothing. Or kya karta? He only look at him very angrily, scowled at him, right? He only scowled at him. Yes. Him. And why? Aisa kyun kiya tha usne? क्या कारण होगा व्हाई डिड ही लुक वेरी एंग्री एट हिम बिकॉज ही वॉज एनिमी एंड दैट एनिमी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग उसने ना तो बॉटल फेंकी एंड ही ओनली लुक एट हिम एंग्रीली एंड एट द सेम टाइम व्हाट वॉज द रिएक्शन ऑफ दैट बॉय ही ऑल्सो लुक्ड वेरी एंग्रीली एट हिम स्काउल्ड का वर्ड है स्काउल्ड यूज किया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रंजी वॉज नॉट एट ऑल ईगर फॉर सेकंड फाइट Why does he go back to the pool then? ये भी बहुत important question है. Ranji did not want to continue the fight next day, but even then he went back. Why? ये answer देना है आपको. Fast. क्यों जाता है pool की तरफ जो इच्छा न होने के बावजूद? Yes, Piyush. Shubha. Because if Ranji would not. Right? If he would not go, then what will happen? He will be defeated in his own mind. Yes, it means that if he does not go there, then what does it mean? It means that he has accepted his defeat. It means that he has surrendered. Surrender, samarpan kar diya usne. And he has accepted his defeat. Usne apni haar maan li hai. And then he will not have any right. Adhikar nahi rahega. Kis par? On the pool पे और वहां जाने के बाद even if he lose even he knows that वो बड़ा strong है he will beat him but वो क्या करेगा he will not accept his defeat accept मतलब वो मानेगा नहीं अपनी हार तो उसका अधिकार बना रहेगा he will have right on the pool tomorrow he can again fight but even if he does not go today it means that he has accepted his defeat and he will not have any right on the pool that's why he decided to go back to the pool okay so in this way we have finished this lesson tomorrow I will send you question answer of this lesson and also the words you will write down all the question aur ye sabhi questions learn karna hai ye lesson hamara test mein rahega is it clear yes sir okay yes, maza aa gaya lesson mein maza aa gaya हाँ सर ओके तो अभी हम ये मीटिंग यहाँ पर एंड करेंगे बाकी लोग बताइए दीपक आकाश कैसे हो सभी लोग आकाश और दीपक एक घर में साथ में देख रहे क्या तुम दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे हाँ आकाश उपरे हाँ सर दीपक लोकंडे हाँ सर साथ में पढ़ाई कर रहे वेरी गुड ओके सत्यम रानी रानी किरड़कर लाए रेंज आएगा रे बड़ा रानी आए रे जाता
ओके आयुष आयुष ओके सो वी विल स्टॉप चिल्ड्रन एंड अगेन ऑन मंडे वी विल मीट विथ अवर नेक्स्ट पोएम राइट टुमारो यू कंप्लीट योर एक्टिविटी आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर यू राइट डाउन ओके बाय टेक केयर बाय सर